नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह फिलहाल जेल की सजा काट रहे हैं और हाल ही में उनकी सुनवाई AK-47 के मामले में हुई, लेकिन उस दौरान SP लिपि सिंह की गवाही टाल दी गई। कोर्ट ने कहा कि AK-47 बरामदी के मामले के अलावा एक और मामले में उनकी सुनवाई होनी थी, जिसमें SP लिपि सिंह गवाही देने जा रही थी, लेकिन उस सुनवाई को अब टाल दिया गया है, जिसकी अगली तारीख कल यानी कि 4 जनवरी की रखी गई है। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की ओर से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को प्रत्याशी मोकामा से बनाया गया था और जेल में रहने के बावजूद उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा उनकी सुनवाई और किस मामले पर होने वाली है और कैसे इस सुनवाई को टाला गया, क्या कुछ कमी रह गई, वो सारी बात आपको बताते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को विधायक अनंत सिंह को बेऊर जेल से लाकर MP MLA कोर्ट में 2 अलग-अलग मामलों में पेश किया गया। पहला मामला पटना के सचिवालय थाना इलाके से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला बाढ़ थाने से MP MLA कोर्ट में AK-47 की बरामदगी का है। इस मामले में बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह की गवाही नहीं हो सकी। दरअसल इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष कोर्ट के जज विपुल सिन्हा का तबादला हो गया है। विशेष कोर्ट के जज विपुल सिन्हा का तबादला कटिहार हो गया है। अब इस मामले में गवाही के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई है। सोमवार 4 जनवरी को यानी कल इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। जज विपुल सिन्हा की जगह शनिवार को ADG प्रजेश कुमार को स्पेशल कोर्ट का प्रभार दिया गया। बिहार के बाहुबली राजनेता आनंद सिंह जेल में कैद होने के बावजूद विधानसभा चुनाव जीत गए। RJD की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने JDU उम्मीदवार राजीव लोचन को 35,000 से ज्यादा मतों से हराया। लगातार 5वीं बार विधायक बने अनंत सिंह के ऊपर 38 केस दर्ज हैं। 2019 में उनके घर से AK-47 और बम भी मिला था, जिसके बाद उन्हें काफी दिनों तक फरारी काटने के बाद आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मुकामों में अनंत सिंह का इतना रसूख है कि उन्हें यहां के लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह भूमियार समाज से आते हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमियार बाहुल्य है। इसके अलावा इस इलाके में गरीबी अपने चरम पर है। ऐसे में अनंत सिंह रॉबिनहुड वाली यहां काम कर जाती है। उदाहरण के लिए इलाके में अगर दहेज के लिए किसी भी लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसका पिता अगर अनंत सिंह ड्योढ़ी पर चला जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। या तो अनंत सिंह लड़के वाले को किसी तरह डरा धमकाकर शादी के लिए तैयार कर देते हैं या फिर कुछ खर्चा पानी देकर मामले को सुलझा देते हैं। हठी स्वभाव के अनंत सिंह ने उस दौर में बिहार में सबसे पावरफुल शख्स लालू यादव का प्रस्ताव ठुकराकर नीतीश कुमार के साथ गए। इतना ही नहीं, बाढ़ शहर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर नीतीश कुमार को लड्डू और चांदी के सिक्कों में तौलकर अनंत सिंह ने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआत का ऐलान किया। लालू का प्रस्ताव ठुकराने पर तत्कालीन राबड़ी देवी की सरकार के इशारे पर अनंत सिंह के पुश्तैनी आवास पर बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने रेड मारी। अनंत सिंह को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उनका इरादा नहीं डगमगाया। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह के घर से 2019 में ही बम समेत AK-47 और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे, जिसकी बरामदगी खुद तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने की थी और ऐसे में उनकी गवाही होनी थी कोर्ट में, लेकिन नहीं हो पाई। इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया है और उसकी अगली तारीख यानी कि कल 4 जनवरी को रखी गई है। ऐसे में अनंत सिंह के लिए कल एक बड़ा दिन होगा। कल उनके इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना यह है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।